व्यक्ति पर हमला हुआ है। हमें पता है, ये खबर तो पुरानी है आई साहेब। क्षमा करो महाराज, सूचना पुरानी हो जाने से मुसीबत पुरानी नहीं हो जाती। ये हमले मात्र सारसवड़ पर ही नहीं, सतारा के आसपास पांच और गांव में भी हुए हैं। एक गांव में हो या छह गांव में, हमला तो हो चुका ना। हमारी नींद खराब करके क्या लाभ। बालाजी सूचना लाए हैं कि गुड़ी पाड़वा के दौरान मुगल सतारा पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। रानी साहब, पहले मात्र आशंका थी कि गुड़ी पाड़वा के दौरान औरंगजेब कुछ करने वाला है, लेकिन शिव जयंती के हमले से इस बात की पुष्टि हो गई। सूचना पक्की है रानी साहब, गुड़ी पाड़वा पे हमला होगा। तो इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव नहीं होगा। क्षमा करा महाराज, हमें कायरता नहीं दिखानी, सावधानी बरतनी है। यदि हमने ये उत्सव नहीं मनाया तो प्रजा को लगेगा कि हम अपनी ही राजधानी की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। बोलिए बालाजी, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। आपके संस्कारों ने आपके पुत्र को वीर बनाया है। हम उसे संस्कार देते तो हमारा पुत्र बाजी हमें प्रेरणा देता है। अभी गांव वालों के मन से इस हमले का भय दूर करने के लिए उसने भयासुर नामक काल्पनिक दैत्य बनाकर उन्हें समझाया कि शत्रु को हराने से पहले भय को हराना पड़ता है। ऐकलत रासे, हमारे विचार से इस वर्ष गुड़ी पाड़वा का उत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए ताकि मुगलों तक संदेश पहुंचे कि रक्त बहने से वीर नहीं डरते, बल्कि उसे धरती का श्रृंगार मानकर उत्सव मनाते हैं। हमारे विचार में हमें गुड़ी पाड़वा के पूर्व ही आसपास के मुगल किलों पर हमला करना चाहिए। उत्तर में सिखों के साथ चल रहे युद्ध के कारण औरंगजेब भारी नुकसान उठा रहा है, उनकी सेनाएं बटी हुई है। ऐसे में हमें भी उन पर वार करना चाहिए। आपका क्या मत है राजे? जो भी आपको ठीक लगे आई साहेब। पंथ प्रतिनिधि जी ने जो कहा वो रणनीति के दृष्टि से तो सही है, पर गुड़ी पाड़वा एक ऐसा अवसर है जब हमारे सैनिक अपने घर जाते हैं, भले थोड़े ही समय के लिए। सीमा पर जिस परिवार के लिए वो खड़े हैं उनसे मिलने का अधिकार हम उनसे नहीं छीन सकते। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सैनिकों को लगेगा कि राजे उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। तो फिर क्या आदेश है रानी साहिब? गुड़ी पाड़वा तक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाए और उसके बाद आक्रमण। और रानी साहब, हम भी अपनी तलवार से मिलने के लिए बहुत बेचैन हैं। पुरानी सहेली है, याद तो आएगी ही। पाजी, लेट ही रहे, लेट लेट। विष तो उतर गया है लेकिन तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में है, मुझे जाना है। उन्हें डाकू उठा के लेके गए। डाकू? डाकू नहीं, दंडक। जंगल से चूहे पकड़ के लाया है बैरा। अच्छा है, अच्छा है। अब ये छोटे छोटे चूहे हमारे बड़े बड़े काम आएंगे।
दंडक और उसके दरोड़ेखोर मानव नहीं दानव है, और इस वन में आने वाले जो भाग्यशाली होते हैं वो शेर से टकराते हैं, और जो दुर्भाग्यशाली होते हैं वो दंडक से। उसे लोगों को पीड़ा देने में बहुत आनंद आता है। बाकी दरोड़ेखोरों की तरह वो तलवार से गर्दन नहीं काटता, वो हथौड़े से हड्डियां तोड़ता है, और वो अपने हथौड़े सीनाचूर से तब तक हड्डियां तोड़ता है जब तक इंसान अपना दम ना तोड़ दे। जा, लगा दे इनको काम पे। कौन सा काम? हम कोई काम वाम नहीं करेंगे, हमें घर जाना है। 25 वर्षों से दंडक इस वन में है, 25 वर्षों से इस वन में सिंह नहीं दहाड़ा, क्योंकि दंडक को ऊंची आवाज पसंद नहीं, और तूने दंडक के सामने आवाज ऊंची की। अच्छा है। अच्छा है। जंजीर को तोड़ने का मजा तभी आता है जब उसका लोहा मजबूत हो। इस जंजीर को भी तोड़ने का मजा आएगा। बता शिलाचूर, क्या दंड दे इसे? तुम्हारा दंडक अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, दंडक तेरी जिंदगी बख्श देगा, लेकिन तुझे मेरे लिए जंगल से लकड़ियां काट कर लानी होगी। जाओ। मैं कोई वृक्ष नहीं काटूंगा। मेरी आई कहती है वृक्ष भी जीवित होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए एक वृक्ष को काटने पर मानव हत्या का पाप लगता है। आई कहती है। आई सब कुछ सच नहीं कहती है। मानव हत्या पाप नहीं, सबसे बड़ा सुख है। रक्त में सने हुए पीड़ा से तड़पते लोगों की चीखे मधुर संगीत है। पाप पुण्य ये न तो मैं जानता हूं और ना ये शिलाचूर और ना वो मुगल जिन्हें मैं लकड़ियां बेचता हूं। इसलिए जाओ और मेरे लिए लकड़ियां काट के लाओ। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा, और उन मुगलों के लिए तो कभी नहीं, कदित नहीं। दंडक को इनकार करने का दंड क्या होता है? मुझे हर दंड स्वीकार है, पर मुगलों के लिए पाप करना स्वीकार नहीं है। मान जा पिल्ले, तेरी जिंदगी बच जाएगी। हट, छोड़ दे हट। जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। Thank you.
पिल्लों में से इसके साथ और कौन है? मुझे जाना है, मेरे बच्चे संकट में हैं, मुझे जाना है। तुम नहीं जा सकती, बहुत कमजोर हो अभी। जिस माँ के बच्चे संकट में हो वो तन से कमजोर हो सकती है, मन से नहीं। और मैं मात्र बाजी की माँ नहीं हूँ, उसके मित्रों की भी माँ हूँ। उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी है मुझ पर, और मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे जाना होगा। लेकिन तुम इस वन में कैसे ढूंढूंगी उन्हें? हाँ, वो दरोड़ेखोर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। दरोड़ेखोर छुपे कहीं भी हो, है तो इसी धरती पर ना। हम धरती को माँ कहते हैं, और एक माँ दूसरे माँ से अपने बच्चों को कभी दूर नहीं रख सकती। हमारे लिए लकड़ियाँ काट के ला। हमारे जीवन के खातिर और छोड़ दे। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। सुना तुमने शिलाचूर? सुना? सुना तुमने? इसने क्या कहा? दंडक प्रसन्न हुआ। बाई, तुम तो घोड़े पर भी नहीं चढ़ पा रही हो। ऐसा ना हो कि घोड़ा ही तुम्हें गिरा दे। ये मेरा मल्लारी है, मेरे बाजी का भाई और मेरा तीसरा पुत्र। हमेशा माँ को सहारा देता है, कभी गिराता नहीं है। मैं ये तो नहीं जानती कि वो दंडक तेरे बच्चों को कहाँ लेकर गया, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि दंडक के दरोड़े खोर जंगल की लकड़ियाँ काट मुगलों की टाल पे बेचने आते हैं, और उनके हाथ में हथौड़े भी होते हैं। अगर तू उनको ढूंढ लेगी ना, तो शायद अपने बच्चों को भी ढूंढ लेगी। खुदा का शुक्र मनाइए शहजादे कि उम्र ने हमारे जोश पर होश की लगाम कस दी है, वरना इस वक्त आपकी आंखें हमारी हथेली पर होती, ताकि हमारे बाद मुगलिया सल्तनत की बागडोर आपके कमजोर हाथों में नहीं होती। आप लोगों को बिना बताए इस नाचीज ने सातारा के पास 5 गांव में हमले करवाए, और नतीजा कामयाबी। हुजूर, कोशिश तो हमने भी की। सियासत कोशिश नहीं, कामयाबी मांगती है। अब आप दोनों हमें जरा ये बताने की जहमत करेंगे कि आगे कुछ करने भी वाले हैं या नहीं? हुजूर, मैं मानता हूँ कि सासवड़ में हमारा हमला नाकाम रहा, लेकिन मराठियों की फौज को वहां से निकालने का हमारा मंसूबा कामयाब रहा, और गुड़ी पाड़वा के दिन वहां एक धमाका होगा जिसमें तारा रानी साहब मारी जाएंगे। हुजूर, ये खाकसार शाहू जी के सरदारों से मिलकर उन्हें मुगलों से मिल जाने की दावत देने वाला है। वो मराठी सरदार अगर हमारे साथ मिल गए तो नतीजन हमारी कातिल परवीन का सतारा में घुसना आसान हो जाएगा। ये परवीन ही वो धमाका करेगी जिससे तारा रानी साहब का जीवन फना हो जाएगा। तो अब आपके तरकश में कोई और तीर है भैया? तीर तो बस एक ही है, पर इस तीर के निशाने 2 हैं, तारा रानी साहब और बालाजी भट्ट। हुजूर, वो शख्स हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है, और इसीलिए तारा रानी साहब से पहले वो परवीन के निशाने पर है। शहजादे, जी नहीं हुजूर, हमारी तरकश में और कोई तीर नहीं है, क्योंकि वो तीर हम चला चुके हैं।
हम कमरुद्दीन की मराठी सरदारों से मुलाकात की खबर तारा रानी साहब तक भिजवा चुके हैं ताकि हम कामयाब हों और कमरुद्दीन नाकाम। अच्छा है, मुगलों की चालें और तलवार दोनों दो धारी होती हैं। दुश्मन एक से बचेगा तो दूसरी से जरूर कटेगा। मेरा ये मित्र लकड़ियां नहीं उठा सकता। अगर ये लकड़ियां नहीं उठा सकता तो किस काम का? लंगड़े घोड़े को मार देना ही सही है। बाजी। मेरे मित्र को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। मेमने मिलकर भेड़िए को आंखें दिखा रहे हैं। पाजी, तू इस लड़के की मदद करना चाहता है, ठीक है, इसके हिस्से की लकड़ियां भी तू ही उठाएगा। नहीं, मैं लकड़ियां उठाता हूँ, उछल तुम्हें। राव दे, नाको घोटिया, जब तक हम सब यहाँ से घर नहीं चले जाते तुम सब मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम लोगों को कुछ हो गया तो ना मैं तुम्हारी आई को जवाब दे पाऊंगा और ना ही मेरी आई को। साला, उतला। साला। बाजी, बाजी। जब तक बाहर कंधे पे ना पड़े बकरी का बच्चा भी अपने आप को बैल ही समझता है पिल्ले। दोषों का बार अपने कंधे पे उठाना बच्चों का खेल नहीं। हार मान जा पिल्ले, मान जा हार। मेरे बाबा ने ना मुझे हारना सिखाया और ना ही हार मानना। माजी, कब तक ऐसे तोतो लकड़ियां उठाएगा? बाहर निकलने का मार्ग सोच। वही सोच रहा हूँ परसों। भूख का मोल देखेगा, देख। पिल्लो, किसे चाहिए रोटी? किसे? देखा, भूख बड़ी या मान? मुझे रोटी नहीं मिली तो मात्र शरीर मरेगा, पर अगर स्वाभिमान खो गया तो मेरी आत्मा भी मर जाएगी। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं वो फेंकी हुई रोटी कभी नहीं उठाऊंगा। तुम अपनी रोटी खून बहाकर कमाते हो, पर मैंने अपनी रोटी पसीना बहाकर कमाई है। इसीलिए तुम उस श्रम का, उस पसीने का सम्मान करोगे और वो रोटी सम्मान पूर्वक मेरे हाथ में दोगे। सम्मान। कमरुद्दीन गुड़ी पाड़वा से पहले पतेश्वर की पहाड़ियों में मराठी सरदारों को अपनी ओर मिलाने के लिए उनसे मिलने वाला है, उसे रोकिए। पंत प्रतिनिधि जी, ये संदेश शाहू जी का है।
आपको संदेह है? संदेह हमें संदेश पर नहीं, शाहू जी की निष्ठा पर है। इतने साल मुगलों की कैद में रहने के बाद शाहू जी के मन में मराठियों के लिए निष्ठा होगी? अमृत की एक बूंद भी यदि विष में मिल जाए तो फिर वो बूंद अमृत नहीं कहलाती। पर किसी भी स्थिति में इस पत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि ये शत्रु की चाल भी है तो भी हमें जाना तो पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं पंत प्रतिनिधि जी, हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और एक बात रानी साहब, ये शाहू जी का संदेश नहीं है, कम से कम धानाजी और अन्य दरबारियों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। नए वर्षों तक यदि आप महाराज शिवाराजे द्वितीय को सिंहासन पर बिठा के रख पाई है तो मात्र इसीलिए क्योंकि हमने सबके मन में मुगल कैद में शाहू जी के देश प्रेम पर संदेह का बीज बो दिया था। महाराज शिवाराजे तब तक सिंहासन पर है जब तक वो मराठियों की अंतिम आशा है। वो आशा शाहू जी बन गए तो आप जाकर धाना जी से कहिए कि छापामार युद्ध की तैयारी करें और हम राजे को इस बार साथ ले जाएंगे। हम चाहते हैं राजे भी जाने की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए रक्त भी बहाना पड़ता है। हो रानी साहब, ये ले खा ले। नहीं ऐसा नहीं, पहले वो रोटी मेरे हाथ में दो। हाथ में? सिर टूटी या कुछ और हड्डियां तोड़ूं? मेरी सांस टूट सकती है पर साहस नहीं। साहस? तुम्हारी बारी। रुक जाओ सरदार, ये जंगली घोड़ा है, इसे काबू में लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर काबू में आ गया तो ये हमें वो ला कर देगा जो हमें चाहिए। शिलाचूर भैरव ठीक कह रहा है, सब्र कर लेते हैं। रानी साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें सूचना मिली है कि आज के हमले में आप महाराज को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। आप हमारे निर्णय पर आपत्ति करने आए हैं? जी जी नहीं,
हम तो मात्र ये कहना चाहते हैं कि लोहा जब तक कच्चा हो तलवार युद्ध में नहीं ले जाया करते। महाराज अभी तक युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो तो अब तक सही से तलवार चलाना भी नहीं जानते। राजे अगर अभी तक तैयार नहीं है तो ये किसकी गलती है बालाजी? गुड़ी पाड़वा तक उन्हें तैयार करना आपका दायित्व था, शिष्य गुरु की परछाई होता है। शिष्य कच्चा है म्हणजे गुरु भी कच्चा है। स्पष्ट बात करने के लिए क्षमा चाहते हैं रानी साहब, मिट्टी छाया में कच्ची रह जाती है, उसे पकने के लिए आग में उतरना पड़ता है। रानी महाराज आग में उतरने के लिए तैयार नहीं है। हम सिखाने का प्रयत्न तो कर रहे हैं पर महाराज है कि सीखना ही नहीं चाहते। घुटने भर पानी में तैरना सीखा नहीं जाता बालाजी। राजे को अगर तैरना है तो उन्हें गहरे पानी में उतरना ही पड़ेगा। हम वही कर रहे हैं, आज राजे तैरना सीखेंगे। पर कहीं वो डूब, उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त बह रहा है और वो रक्त अपना रंग अवश्य दिखाएगा। पर यदि आपको लगता है कि राजे युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो आप भी हमारे साथ चलेंगे और राजे की रक्षा करेंगे। और रानी साहब, मत करना, मेरे पीछे पीछे चलना मगर दूरी बना के। ओए मुश्ताक, चलो जल्दी चलो। इतना समय हो गया, पता नहीं बाजी और उसके मित्र किस हाल में होंगे। कल ही वन से चार लड़के पकड़ लाए, बड़े ही ढीठ है। उनमें से तो एक कहता है कि मर जाएंगे लेकिन मुगलों का काम नहीं करेंगे। दंडक ने उसके मित्र की टांग तोड़ दी फिर भी उसकी जिद नहीं टूटी। फिर दंडक ने उसे इतना मारा कि अब भागना तो क्या खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बाजी ने आज डंडे के खिलाफ विद्रोह किया है। आज तक ऐसा किसी ने भी नहीं किया, पता नहीं डंडा कभी से क्या दंड देगा। बाजी, बाजी, बाजी तो अत्तो चढ़ते हो गया, पर क्या हम सो पाएंगे? मार से भी मरे तो भूख से मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा परशु, हम आज अभी यहाँ से भागेंगे। यह असंभव है, यहाँ बहुत कड़ा पहरा है। यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे पकड़े जाने पर काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। काल कोठरी वो क्या है? ऐसी कोठरी जहाँ स्वयं काल बंद रहता है, जो भी वहाँ जाता है जीवित वापस नहीं आता। मैं मरना नहीं चाहता बाजी, मैं मर गया तो मेरे आई बाबा का क्या होगा? आपका पुत्र अल्पायु है, उसका जीवन काल छोटा है। बाजी, क्या तुझे भी डर लग रहा है? नहीं ईशु, मेरे बाबा कहते हैं जो अंधेरे के डर से दीपक नहीं जलाते वो हमेशा अंधेरे में ही रहते हैं। यदि हम भी पकड़े जाने के डर से भागने का प्रयास ना करें तो हमेशा बंदी ही रहेंगे। एक द्वार बंद हुआ है तो दूसरा मार्ग अवश्य होगा।
हमें बस उसे ढूंढना है। बाजी ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई जासूस तो नहीं? अगर कोई जासूस निकला तो लकड़ियां ले जाना मुश्किल होएगा। ए, सर क्या है? देखो, ए, तुम लोग उधर देखो, देखो इस सब कौन है? देखो देखो शायद यह हमारा वहम होगा। चलो सब अपने अपने काम पे लग जाओ। बहुत जल्द ही जंगल के और भी खजाने तुम्हारे होंगे। मैं भी इनसे सहमत हूँ, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर लेंगे शंकर मल्हार जी, लेकिन खाली सिंहासन देखकर आक्रमण करने से पहले औरंगजेब प्रतीक्षा करेगा? आज से आप पंत सचिव नहीं रहे। हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पद से हटाने का बदला लेने के लिए शंकर मल्हार मुगलों से मिल जाएगा। शंकर मल्हार और बाकी सरदार मुगलों से मिल रहे हैं अभी अनुमान है, प्रमाण नहीं। हनीदंड अनुमान पर नहीं प्रमाण पर दिया जाता है। थोड़ी प्रतीक्षा करा, इनका द्रोह सिद्ध हो गया तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बालाजी सही कह रहे महाराज। रानी साहब, हम कुछ सैनिकों को लेकर आगे जाके घेराबंदी करते हैं और सही समय आने पर आपको आक्रमण करने का संकेत देंगे। चला चला। महादेव, मेरे बच्चों को थोड़ी सहन शक्ति और देना ताकि मेरे पहुंचने तक उनका साहस ना टूटे। उस डंडक ने हमें चूहा खाया था ना, पर वो ये भूल गया कि अगर चूहे को बाहर निकलना है तो उसके लिए एक छोटा सा छेद ही काफी है। हम तो इस छेद से बाहर निकल जाएंगे, पर वो मुस्तंडे दरोड़ेखोर कभी नहीं निकल पाएंगे। और जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम वन को पार कर चुके होंगे। पर हम पकड़े गए तो
ये परशु, तूने राधा काकू से सकारात्मकता का गुण नहीं सीखा क्या? मेरी आई भी कहती है बोले बुरा तो होए बुरा। मैंने तो मात्र एक प्रश्न पूछा था, तू लड़ने क्यों लगा? कोटिया परशु, विश्वास थे जब तक मैं हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। गोटिया, सबसे पहले तू चढ़, तेरे पाँव में चोट है इसीलिए तुझे आगे बढ़ने में समय अधिक लगेगा। चल चल गोटिया, पकड़। चढ़ जा गोटिया। गोटिया स्वयं नहीं चढ़ सकता, हमें कोई दूसरा मार्ग ढूंढना होगा। यहाँ से निकलने का मार्ग इतनी कठिनाई से मिला था, अब दूसरा मार्ग कहाँ से मिलेगा? हम कभी इस जगह से गोटिया के साथ नहीं निकल सकते, हमें भागना है तो गोटिया के बिना भागना होगा। परशु, तू पागल हो गया क्या? हम गोटिया को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, अगर उन्हें पता चल गया तो गोटिया का क्या हालत करेंगे तो सोच भी नहीं सकता। हम साथ आए थे, साथ जाएंगे, साथ जिएंगे या फिर साथ मरेंगे। मरना नहीं चाहता बाजी, तू एक के प्राण के खातिर सबके प्राणों को खतरे में कैसे डाल सकता है बाजी? क्योंकि गोटिया मेरा सबसे अच्छा मित्र है। कर ले अपना प्रयास, पर मैं जानता हूं कि तेरा प्रयास कभी सफल नहीं होगा। परशु, अरे परशु रुक, परशु रहने दे ना माजी, रहने दे, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। तू गोटिया को निकालने का कोई उपाय सोच, उपाय आ जाएगा तो परशु भी आ जाएगा। अपने आप कैसे हट गया? ऐ, बैलगाड़ी के नीचे क्या कर रही थी? और तू है कौन? माँ हूँ उन बच्चों की जिन्हें तू और तेरे साथी कल्पन से उठा के लेके गए। और जब बात एक माँ के बच्चों की होती है तो अपने बच्चों के लिए वो जान दे भी सकती है और दे भी सकती है। बाजी में तो बल भी है और बुद्धि भी, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार यहाँ से बाहर निकल जाए मैं तुम्हें बाजी की गाथा सुनाऊंगा। ये बाजी है, कुछ भी कर सकता है। तुम सब यहीं रुको, मैं परशु को लेकर आता हूं। चूर, पिल्ला तो भूल गया कि लंगड़े घोड़े दौड़ा नहीं करते। इस मोटे पिल्ले की दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं।
जाएंगे। जो दंड देना है मुझे दो, ये योजना मेरी थी, मैंने इन्हें भागने के लिए कहा था, इनकी कोई गलती नहीं है। शिलाचूर, पिल्ला समझदार है, ठीक कह रहा है। पिल्ले, जब तक तेरा साहस नहीं टूटेगा तब तक इनका साहस नहीं टूटेगा। तेरे मन में उम्मीद है ना, अब ठंडक तेरी उम्मीद छीन लेगा। ले चलो इसे।